आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। क्या चार्जेस लगेंगे अमेजन के खिलाफ? यहां पर सीसीआई ने कर दी है कार्रवाई शुरू और अब होगी अमेजन की दुकान बंद। यहां पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनना है और उसके लिए हमें विदेशी कंपनी पर निर्भर नहीं होना है। अगर ई कॉमर्स की बात है तो हमारी देश की कंपनी का जियो मार्ट नंबर वन ई कॉमर्स ऐप बनेगा अब यहां पर फ्यूचर ग्रुप के साथ डील के बाद में। सीसीआई ने चलाया ब्रह्मास्त्र और हुआ अमेजन परास्त हियर। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहली खबर देखिए, सीसीआई चार्जेस अगेंस्ट अमेजन करेगी और फ्यूचर रिटेल अगर शेयर द डिटेल्स पहले कर दी होती, फ्यूचर रिटेल की डिटेल्स यहां पर फ्यूचर कूपन की डील की तरफ से अमेजन ने, तो डील वुड नॉट हैव बीन अप्रूव्ड। यहां पर जो उनकी काली नीयत है उसको छुपा कर रखा गया सीसीआई का अप्रूवल के लिए, जो कि एक दंडनीय अपराध है भारत में। फ्यूचर ग्रुप कंप्लायंट टू सीसीआई और उस कंप्लायंट के चलते हुए यहां पर सीसीआई ने अमेजन को चार्ज किया है। देखिए, एज पर प्रिंट मीडिया न्यूज, फ्यूचर ग्रुप कंसील्ड साइलेंट फीचर पार्ट ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट, तब उन्होंने अप्रूवल लिया था 2019 में। इसके चलते हुए यहां पर प्रोटेक्टिव राइट जो है फ्यूचर रिटेल के वो अलाउड नहीं होंगे क्योंकि वो मल्टी ब्रांड एफडीआई है। टू पीपल फेमिलियर टू द मैटर हैज रिवील दिस इंफॉर्मेशन कि जो लेटर दिया है सीसीआई ने, उसने फ्यूचर ग्रुप ने, उसने कहा है अमेजन हैज इन्फॉर्म रेगुलेटर अबाउट प्रोटेक्टिव राइट्स, जो कि गलत है। यहां पर ये हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन है जो आपको समझनी है। ये आगे चलकर बड़ा डिफिकल्ट पोजीशन बनेगी इन लोगों के लिए। फ्यूचर ग्रुप की अगर बात की जाए तो देखिए, फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर्स ने फ्यूचर कूपन का एक हिस्सा अमेजन को बेचा था, बट फ्यूचर रिटेल इज नॉट अ पार्टी टू दैट पर्टिकुलर डील और हो भी नहीं सकती है एज पर इंडियन गवर्नमेंट लॉ, और सीसीआई उसको अप्रूव नहीं करेगा। सीसीआई अपना काम बखूबी करना जानता है और यहां पर ये डील के लिए बहुत मदद करेगी। होल्ड कीजिए और जितने ज्यादा शेयर हो सकते हैं जोड़िए। 5% का नियम अपने पोर्टफोलियो में हमेशा ध्यान रखना। सीसीआई ने क्लॉज डाल दिया है अब यहां पर, और एक डाला हुआ है उस डील के अंदर, अगर कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गलत हुई इसमें, देन दे कैन कैंसिल दिस डील। दिस इज एज पर द फ्यूचर कूपन डील विद अमेजन। तो ये अब क्लॉज यहां पर इन्वोक करने की समय आ गया है, जो कि यहां पर आगे फिर फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज को रिलायंस के साथ डील करने के लिए आराम से भेज सकता है। तो अगर हम बात करें यहां पर रिलायंस की, जो एसेट सेल हो रही है, रिलायंस जो खरीद रहा है फ्यूचर ग्रुप के एसेट्स, वो बहुत पॉजिटिव है यहां पर कंपनी के लिए, दोनों कंपनी के लिए। और इसके चलते हुए अगर हम की पॉइंट्स की बात करें, यहां पर सीसीआई के पास अपर हैंड है और हाइडिंग फैक्ट इज अ सीवियर कंसर्न इन इंडिया, जिसके चलते हुए हो सकता है अमेजन को फुल शॉप भी क्लोज करनी पड़े। एज पर अवर व्यू एफसीएल डील विल बी कैंसल्ड विद अमेजन और सारे के सारे शेयर फ्यूचर ग्रुप को वापस कर दिए जाएंगे। अमेजन ने फाइनली अपना मुंह खोला और कहा कि दे आर कमिटेड टू कंप्लाई विद इंडिया लॉ एंड वुड एक्सटेंड इट फुल कॉपरेशन टू सीसीआई। वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल टू एड्रेस सीसीआई कंसर्न, इट टोल्ड टू रिटर्न्स। तो ये एक अच्छी पेशकश रहेगी हमारे हिसाब से। रिलायंस इंडस्ट्रीज नेचुरल फिट है यहां पर और बेस्ट है कस्टमर इंटरेस्ट में कि ये डील हो, पर्टिकुलरली शेयर होल्डर्स के रेफरेंस में भी अगर हम बात करें तो। और एक साथ में थोड़ी बुरी खबर, यहां पर फ्यूचर रिटेल ने मिस कर दिया है अपना पेमेंट इंटरेस्ट, जिसकी वजह से आज शेयर थोड़ा सा नीचे गिरा है। यहां पर बताया है 30 दिन का जो ग्रेस पीरियड मिलता है स्टैंडर्ड ग्रेस पीरियड, वो उसको ले रहे हैं यहां पर, और इंटरेस्ट रेट जो है 5.6% यूएस सीनियर सिक्योर नोट 2025 के लिए। ये एक नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है कोविड के चलते हुए, जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर हमारे हिसाब से डील विल हैपन एंड इट विल बी वेरी बिग इंपैक्ट फॉर शेयर होल्डर्स, जो कि अपर सर्किट को कंटिन्यू करेगा। सिंगापुर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन कोर्ट का रिजल्ट अगस्त में आएगा। अगर एफडीआई एफसीएल डील कैंसिल कर दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट और एनसीएलटी फ्री हैं अपना अप्रूवल देने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को। अगर आप हमारी फ्री सर्विस चाहते हैं तो मेल ड्रॉप कर सकते हैं। चार वीडियो प्रस्तुत है जय हिंद जय भारत।